कर लेते कुछ खास खबरों की। भाटापारा से आपको खबर बता दें, यहाँ मध्यान्ह भोजन खाने से बच्चे बीमार हुए। मिडिल स्कूल लेवई के 15 बच्चे बीमार हो गए हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। इनकी तबीयत खराब हो गई, सभी बच्चों का इस अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज जारी। तो स्कूल प्रशासन ने खाने का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भाटापारा से, जहां पर स्कूल का आपको बता दें मिड डे मील खाने के बाद 15 बच्चे बीमार हो गए हैं। मिडिल स्कूल लेवई के 15 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें, मध्यान्ह भोजन खाना खाने से बीमार हुए हैं सभी बच्चों का, अस्पताल में इलाज जारी है। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संवाददाता प्रशांत वर्मा जुड़ गए। प्रशांत, क्या स्थिति अभी बच्चों की बताई जा रही है और इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आपके पास? देखिए बता दूं, भाटापारा विकासखंड के जो लेवई मिडिल स्कूल है वहाँ आज एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें जो मध्यान्ह भोजन खाने के बाद जो कुछ बच्चे हैं उनमें चक्कर आने की और गिरने की जो शिकायत आई, उसके बाद आनंद फानंद में उन बच्चों को भाटापारा के सिविल अस्पताल लाया गया। उसके बाद उनकी जाँच की गई, उसमें प्रथम दृष्टया ये समझ आया कि कहीं न कहीं से फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या। हालांकि इसमें उन खाने का सैंपल लिया गया है, सैंपल के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक चीज बता दूं, भाटापारा विकासखंड में कहीं न कहीं जो मॉनिटरिंग की जो एक समस्या है, मॉनिटरिंग नहीं की जाती। भाटापारा में जो एडीओ हैं वो विकासखंड को छोड़िए अब संभाग से बाहर से आते हैं, उसके बाद जितने एडीओ हैं जिनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ निरीक्षण किया जाए, वो निरीक्षण एक समय सीमा के कारण वो निरीक्षण नहीं हो पाता क्योंकि वो संभाग से बाहर से आते हैं, इसलिए समस्या लगातार आती है। अब अधिकारी भी कहीं कहीं में जिम्मेदार है, अगर लगातार मॉनिटरिंग होती तो इस प्रकार की समस्याएं भाटापारा विकासखंड में देखने को नहीं मिलती। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से बता दें, जहां पर कलेक्ट्रेट के सामने गैंगवार देखने को मिला है। एबीवीपी के जिला महामंत्री पर